हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका। हरियाणा किसान मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह माडी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल, टिकट न मिलने से नाराज थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया। अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा को मिली जिम्मेदारी। वंदे मेट्रो ट्रेन की पहली झलक सामने आई। 16 सितंबर को देश को मिलेगी पहली वंदे मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद से भुज के बीच चलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, पूरी तरह से वातानुकूलित। मेट्रो में आरामदायक सीटें, यात्रियों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल। शिमला मस्जिद विवाद को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन। कुल्लू में हिंदू संगठन ने निकाला विरोध मार्च। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कुल्लू में भी बाजार में पसरा सन्नाटा। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कुल्लू व्यापार मंडल की अपील पर बाजार बंद। हिमाचल के मंडी में भी अवैध मस्जिद को लेकर व्यापार मंडल का आज बाजार बंद। बाजारों में पसरा सन्नाटा, अवैध हिस्सा तोड़ने की मांग की। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन, बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल, अवैध निर्माण हटाने की मांग। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर व्यापार मंडल का आज बाजार बंद, मार्केट में सन्नाटा पसरा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया, सर्च ऑपरेशन जारी। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने देर रात घेराबंदी की, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल। बारामूला एनकाउंटर का नया वीडियो आया सामने, सेना ने ड्रोन की मदद लेकर आतंकियों को किया ढेर। प्रतिबंधित संगठन मगध क्षेत्र पुनर्द्वार मामले में एनआईए ने चार्जशीट किया दाखिल, आरोपी प्रमोद मिश्रा और सहयोगी का नाम शामिल। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के पहले मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू, 28 किलोमीटर के लंबे परिक्रमा मार्ग का काम अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान पथराव, बागबाहरा रेलवे स्टेशन पर घटना, 3 कोच के शीशे तोड़े गए, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीजापुर में जिस वंदे भारत ट्रेन पर हुआ पथराव, पीएम मोदी 16 सितंबर को उसी ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाने वाले थे। गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाने का आरोप, दुकानदार को लोगों ने पीटा, पुलिस ने यूरिन से भरे कंटेनर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में नमकीन फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, बॉयलर फटने से आग लगी।